तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। देवबंद के धर्मगुरुओं ने फतवा जारी किया है और ये फतवा उनके रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर जारी किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नुसरत की बिंदी पर बिदके मौलाना, मौलानाओं के निशाने पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां, सिंदूर लगाने मंगलसूत्र पहनने पर एतराज, नुसरत पर मानसिकता थोप रहे मौलाना, रथ यात्रा में शामिल होने पर मजहबी सवाल, नुसरत के खिलाफ जारी किया फतवा। धर्म आस्था, समर्पण और विश्वास का विषय है, लेकिन मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले मौलानाओं ने फिर अपनी सोच की दीवार खड़ी करने की कोशिश की है, जिसमें धर्म के नाम पर किसी की आजादी तय की जा रही है। साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर संसद में शपथ लेने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। देवबंद के धर्मगुरुओं ने ये फतवा जारी किया है। उनका कहना है कि मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ मुस्लिम लड़कों से ही निकाह करना चाहिए। जरा सुनिए इस फतवे पर सियासत क्या कहती है। एक किसी पर्सनल, एक व्यक्ति का जाती मामला है, वो लड़की सांसद हो गई है, अब उसने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली, उसकी अपनी मर्जी से वो अपना घर बसा है, चला है। इस तरह के हजारों केस भारत जैसे विशाल देश में होते रहते हैं, तो ये क्यों किसी के पीछे पड़ जाना। मुझे नहीं लगता कि ये क्लैरिक का कहना कि वो उसने यूं क्यों किया, सिंदूर क्यों लगाया, फला वो, उसको कोई हक नहीं बनता इस तरह किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत करने का। किसी से प्यार करे, किसी से ब्याह करे, किसी तरीके से ब्याह करे, क्या हो गया इसमें? ये क्या परेशानी की बात है? नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए लोगों को। अब कौन कैसे जीता है, इसके लिए आप जबरदस्ती करेंगे, जैसे सदन में जबरदस्ती हुई थी हमारे साथ? कहां ले जाएंगे देश को? जीने दो लोगों को यार, अपने तरीके से। पहले तो उन्हें सिंदूर पर एतराज था, फिर बिंदिया निशाने पर आई और फिर भी मजहबी बंदिशें रंग नहीं ला पाई तो जाने आने पर भी सवाल होने लगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नुसरत शामिल क्या हुई? सहारनपुर के देवबंद के मौलानाओं ने नजरें तिरछी कर ली, कहा यहाँ तक गया कि नुसरत जहाँ इस्लाम धर्म छोड़ दे, मुस्लिम है तो मजहब के हिसाब से रहे, किसी और की इबादत करना गुनाह है। पर नुसरत को इनकी कहाँ फिक्र, वो अपना हक बखूबी जानती है और मौलानाओं की मानसिकता भी। आपको बता दें कि मौलानाओं की ये नाराजगी तब बढ़ गई जब नुसरत हिंदुओं के पर्व में शामिल हुई थी और हिंदू पहनावे में दुर्गा नृत्य किया था। और ये नाच मौलानाओं को घुमा गया, उनकी भौहें चढ़ गई और जारी होने लगे फतवे पर फतवे, इस्लाम की तौहीन के नाम पर बंदिश लगाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।